हेलो, मैं राज ग्रोवर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, राज ग्रोवर, तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में तुम्हारा नंबर था, तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। और वो वीडियो जिसका था वो मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा आप बता दें। और ये मैं बताना भूल गया कि वो इंडिया का कॉल नहीं था, तो उन्होंने बताया कि मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप चांद वो मेरा दोस्त है, तो तुम मुझे उसका नंबर दे दो। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। उस दिन मेरी और राज ग्रोवर साहब की 27 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी, और वो बात मैंने राज ग्रोवर जी से पूछे बगैर रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मैं उस बातचीत को अपने साथ रखना चाहता था यादों के तौर पर। और मुझे नहीं पता था कि मैं उस शख्स के आगोश में यूं भी बैठूंगा कभी, जिसका नाम था, नाम है राज ग्रोवर नेवर ओवर। आप मेरा और चांद साहब का झगड़ा कर रहे हैं। भाई वो कहेंगे ये मेरा बेटा है, मैं कहूंगा मेरा बेटा क्या कहेंगे वो कहेंगे कि ये मेरा बेटा, और मैं कहूँगा कि ये मेरा बेटा। मुझे शेर याद आ गया कि मेरे उस्ताद का, कैस साहब का, उनका शेर है कि नतीजा कुछ भी हो लेकिन बड़ा पुरलुत्फ है झगड़ा। हैं, सुन रहे हो? जी नतीजा कुछ भी हो लेकिन बड़ा पुरलुत्फ है झगड़ा। वो कहते हैं मेरा दिल है, मैं कहता हूँ मेरा दिल जय नसीब हजूर, फुल बात हो गई ना। मैं अपनी अपने दोनों बच्चों को जब छोटे थे उनको घुमा रहा था समुद्र के किनारे। एक साहब ने आके मुझे कहा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये आपके हैं? मैंने कहा हाँ, मुझे मेरी बीवी ने कहा है कि मेरे हैं। तो ये बातें हैं कुछ ऐसी जो और मैं मैं किसका कहूँ, मैं ना जाने कितनों का हूँ। मुझे हर कोई कहता है केशव, केशु, ओ किशु, तू मेडा है, तू मेडा है, तू मेडा है। ठीक आदमी हो। ठीक है दिन। हर मैं हर कहीं कोई इवें लग दे जी हाँ जी कैशू मेला है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ना? वो इवन ठीक आज आदमी। भी एक 86 साल दे बुजुर्ग का फोन आया, राजेंद्र नगर दिल्ली तू, वो आता है कि मैं मिलना चाहना, तो मैं कह जी जनाब मैं ज़रूर आसा। राज ग्रोवर साहब से मैं मिल लिया था मुंबई में। आज मैं यहाँ खुलासा भी कर देता हूँ कि मैं राज ग्रोवर जी से कैसे मिला। दुनिया भर के फ़ोन मुझे आते थे, और वो किस वजह से आते थे आप लोग जानते हैं, बड़ा प्यार मिलता था। और एक दिन एक फ़ोन आता है कि हेलो, मैं राज ग्रोवर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा राज ग्रोवर, तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में तुम्हारा नंबर था, तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। और वो वीडियो जिसका था वो मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा आप बता दें। और ये मैं बताना भूल गया कि वो इंडिया का कॉल नहीं था, तो उन्होंने बताया कि मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप चांद वो मेरा दोस्त है, तो तुम मुझे उसका नंबर दे दो। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। उस दिन मेरी और राज ग्रोवर साहब की 27 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी, और वो बात मैंने राज ग्रोवर जी से पूछे बगैर रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मैं उस बातचीत को अपने साथ रखना चाहता था यादों के तौर पर। और मुझे नहीं पता था कि मैं उस शख्स के आगोश में यूं भी बैठूंगा कभी, जिसका नाम था, नाम है राज ग्रोवर नेवर ओवर। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके फिर कुछ महीने बाद फ़ोन आता है कि उसी मुलाकात में उन्होंने बताया था कि मैंने एक किताब लिखी है, इस तरह से है, और फिल्मी सफ़र है। तो मैंने कहा कि जनाब
ज़रा सा सफ़र मैंने भी किया है फिल्मों का, तो मुझे लगता है कि मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। तो राज साहब ने मुझे वो किताब कुरियर की और वो किताब मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैंने राज साहब को मतलब इनका दोबारा जब कॉल आया तो मैंने कहा, राज साहब क्या मैं वो किताब आवाज़ की शक्ल में तब्दील कर सकता हूँ? तो राज साहब ने कहा कि पहले मुझे सैंपल भेजो, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे होगा, क्योंकि मैं राज साहब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यादें जरा यादें ज़रा ज़रा कि वो कैसा होगा। और फिर एक बार फिर फ़ोन आता है कि मैं मुंबई आ रहा हूँ और मैं दिल्ली भी आऊँगा 3 दिन के लिए, तो तुम दिल्ली मिल लेना। मैंने कहा, नहीं सर, मैं आपको मुंबई में मिलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम। राज जी क्या हाल है? बढ़िया सर। नमस्ते। अरे फाइनली मैं तो कैच करके मैं छुप के यहाँ खड़ा था कि राज जी जब आएंगे तो मैं उनको मिलूंगा। आप ही की बातें हो रही थी। देन मैं मुंबई पहुंचा, राज जी के साथ मैंने 2 दिन 12-12 घंटे में, मतलब मैंने 8-8, 10-10 घंटे राज साहब के साथ बिताए, और अच्छे खासे बिताए, जिस दौरान इन्होंने भी मुझे जाना, मैंने भी इन्हें जाना, और मैंने इनके कुछ और रिश्तों को भी जाना, जो रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो आज भी, हालांकि 7 समंदर पार जाने के बाद भी इन्हें याद करते हैं। और वहीं कुछ ऐसा हुआ कि राज ग्रोवर साहब के साथ मैंने चांद साहब की बात करवाई, और यहाँ इन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि केशव उनको कहो कि वो यहाँ भी तो आए, दिल्ली आ रहे हैं। तो भगवान ने कुछ ऐसा सुदर्शन घुमाया और राज साहब आज अम्बाला में बैठे हैं और कल चंडीगढ़ में होंगे, और चंडीगढ़ में हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं हमारे डॉक्टर श्री चंद्र त्रिखा जी की एकेडमी में, उर्दू एकेडमी में, यादें ज़रा ज़रा। उर्दू तो अकेडमी हमारे हर वीडियो में जहाँ जहाँ राज ग्रोवर जी का जिक्र हो रहा है, वहाँ पे यादें ज़रा ज़रा का जिक्र हो रहा है। तो ये था वो एक बहुत लंबा सफ़र, लेकिन मैंने ज़रा कम शब्दों में बयान किया यार सर, मुझे तुमने जी वहां पहुंचा दिया, जी ऊंचाई पे, अरे उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। मैं नीचे देखता हूँ डर लगता है यार, कहीं गिर ना जाऊं। अब कोई चांस नहीं है, अब आपको थामने के लिए हम जैसे बच्चे खड़े हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी मैं कूद लूंगा। बिल्कुल, आप कूदें, भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम आपको संभालें। हाँ, बच्चा हमेशा बुजुर्गों की गोद में रहता है। हाँ ये जो बिल्कुल, तुमने कहा हम संभालें, तो ये हो गया कि उल्टा हो गया। बच्चे ने बुजुर्गों को गोद हाँ में ले बस, लिया। मतलब मुझे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि जब बुजुर्ग उस उम्र में पहुंच जाते हैं जब उन्हें सहारा चाहिए होता है, तब तो वो बच्चे बन जाते हैं। बच्चे माँ बाप हो जाते हैं और माँ बाप बच्चे हो जाते जी, तो हैं। बस वही मेरा एक नहीं इशारा नहीं था। नहीं मैं आई आई तो एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। ओके, और बाकी चांद साहब आंधे आंधे ज़रा सुन लें। तो फिर मैं यहाँ एक खुलासा करना चाहूँगा, बहुत जल्द आप लोगों को हम लोग चांद साहब की एक गज़ल पूरी तरह से म्यूज़िक से सराबोर और चांद साहब के शब्दों से लिपटी हुई, हाँ, और विकास रलहन की आवाज़ से सजी हुई, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगी आंधे आंधे। ज़रा वो बता दें कि वो आंधे आंधे क्या है। यार दे दर ते पहुंची वैसू, यार दे दर ते पहुंची वैसू, रुड़दे पुड़दे ढांदे ढांदे, ढांदे यार दे दर ते पहुंची वैसू, रुड़दे पुड़दे ढांदे ढांदे, और सब्र दा बूटा सड़ गए उक्का। राज जी, हाँ सब सब्र दा बूटा सड़ गए उक्का,
ਤੇਰੀ ਕਾਵਿੜ ਸਾਂਧੇ ਸਾਂਧੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਾਵਿੜ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਆਦਿਨ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੜ ਗਏ ਉੱਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਾਵਿੜ ਸਾਂਧੇ ਸਾਂਧੇ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਹੀ ਗਦਲਦਾ ਕਿ ਉਮਰਾ ਲੰਘ ਗਈ ਚਾਂਦ ਅਸਾਕੂ, ਉਮਰਾ ਲੰਘ ਗਈ ਚਾਂਦ ਅਸਾਕੂ, ਵਕਤ ਦੇ ਖੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਮਰਾ ਲੰਘ ਗਈ ਚਾਂਦ ਅਸਾਕੂ, ਵਕਤ ਦੇ ਖੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੰਝੂ ਵਾਂਦੇ ਵਾਂਦੇ, ਕਿੱਥਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਚਾਂਦ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦ ਦੇ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਹੀ ਬਈ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਆ ਕਿ ਚਾਂਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੂਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚਾਂਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਾਂਦ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਤਲੇ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ, ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਆਦਨ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਮਾਏ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਮਾਏ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਏ, ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਣ, ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਵੰਡੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਰਿਟਨ ਇਟ ਔਨ ਐਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਇਟ ਔਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਥੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਥੀ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਨਾਬ ਤ੍ਰੀਏ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਏ ਨਿਕਰਾਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਐਂਡ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।